नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा, हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के कठिन नियमों को हमने सरल और आसान करने का प्रयास किया है। यदि आप व्यंजन संधि को बढ़िया से समझना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप वीडियो के बिना स्किप किए देखेंगे। तो प्रश्न है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन ध्वनि के निकट स्वर या व्यंजन की आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो यहाँ व्यंजन संधि के ढेर सारे उदाहरण दिए गए हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से हम व्यंजन संधि की परिभाषा को समझेंगे और यहाँ पर कुछ नियम हैं, ट्रिक्स हैं और आपके लिए टिप्स भी हैं। तो पहला जो नियम है, जो रूल वन है, वह कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो पहले हम समझेंगे कि वर्ण क्या होता है। आप जानते हैं कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण में वर्ग जो होता है वह पांच होता है। स्पर्श व्यंजन में पांच वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कवर्ग यानी क से लेके अंगा तक, चवर्ग च से लेके इया तक, टवर्ग ट से लेकर ण तक, तवर्ग त से लेकर न तक, पवर्ग प से लेकर के म तक। ये पांच वर्ग होते हैं। तो वर्ग का जो पहला वर्ण होगा, यानी देख रहे हैं पहला वर्ण क्या है, क है, च ट त प, सब में हलंत लगा हुआ है, यानी यह स्वर रहित है। तीसरे वर्ण में परिवर्तन, पूर्व वर्ण में क्या आएगा, वर्ग का पहला वर्ण। पहला वर्ण क्या है, प्रत्येक वर्ग में क च ट त प, यह है पहला वर्ण है। इसके बाद जो है उत्तर वर्ण जो होगा वह तीसरा होगा या चौथा या यरलवा, जिसको अंतस्य व्यंजन कहते हैं, ह होता है और स्वर होता है। और ये क्या होगा, वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन होगा। यहाँ देख रहे हैं क का किस में परिवर्तन होगा, ग में होगा, च का परिवर्तन ज में होगा, ट का परिवर्तन ड में होगा, त का परिवर्तन द में होगा, प का परिवर्तन ब में होगा, सम यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, स्वर रहित है। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में कैसे परिवर्तन होता है, इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दीक जोड़ गज बराबर दिग्गज। यहाँ पर क क्या है, यह है पूर्व वर्ण है, और उत्तर वर्ण क्या है, ग है। यानी क और ग के मेल से क्या बनेगा, यहाँ पर ग होगा। यहाँ देख रहे हैं तीसरा वर्ण है ग, कवर का तीसरा वर्ण क्या होगा, ग, क ख ग, तो ग है। तो किस में परिवर्तन होगा, क का ग में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर होगा दीक जोड़ गज बराबर दिग्गज। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर पाई नहीं है या स्वर रहित है, यानी ये आधा ग है। इसके बाद है अच जोड़ अंता बराबर अजंता। ये च देख रहे हैं, च के बाद क्या है, यहाँ पर है अ है। तो यहाँ पर ये स्वर है, देख रहे हैं ये क्या है, स्वर। अगर स्वर आता है तो वह होता है, वह तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा। तो च का किस में परिवर्तन हुआ, ज। यहाँ देख रहे हैं च का परिवर्तन हुआ है, ज में हुआ है, तो अजंता हुआ। सट जोड़ रिपु बराबर सड रिपु। यहाँ पर देख रहे हैं ये ट, ट का किस में परिवर्तन होगा, ड में होगा। तो ट का यहाँ पर हो गया ड, यह है अंतस्थ व्यंजन। अगर ट आता है वर का पहला वर्ण के बाद अंतस्थ व्यंजन भी आता है, या र ल व, तो यहाँ पर र देख रहे हैं, ट के बाद र अंतस्थ व्यंजन है। तो किस में परिवर्तन होगा, ट का ड में परिवर्तन होगा, तो सड रिपु होगा। सत जोड़ वाणी, त के बाद व आया है, वह है अंतस्थ व्यंजन। तो त का किस में परिवर्तन होगा, द में, देख रहे हैं त का परिवर्तन द में होगा, तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा। तो सत जोड़ वाणी बराबर सद वाणी। अप जोड़ धी बराबर अवधि। त थ द ध, तवर का चौथा वर्ण क्या आ रहा है, ध आ रहा है। तो इसमें किस में परिवर्तन हो जाएगा, प का ब में परिवर्तन होगा। देख रहे हैं प का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, ब होगा, तो अवधि होगा। वाक जोड़ इस बराबर वागिस। क आया है यहाँ पर, क के बाद ई क्या है, दीर्घ ई, यहाँ पर स्वर है। तो
स्वर आता है, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर स्वर लिखा हुआ है, तो स्वर आता है तो किसमें क का किसमें परिवर्तन होगा, ग में परिवर्तन होगा। वाक जोड़ इस बराबर वागिस। इसके बाद है सट जोड़ आनन, ट है, ट के बाद यहाँ पर देख रहे हैं क्या है स्वर, अगर स्वर आता है तो यहाँ पर ड में परिवर्तन होगा, ट का ड में परिवर्तन होगा। सट जोड़ आनन बराबर सडानन। उत जोड़ योग बराबर उद्योग, त है यहाँ पर, त के बाद य क्या है यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन है, य अगर आता है तो त का द में परिवर्तन होगा। उत जोड़ योग बराबर उद्योग। इसके बाद है अगला उदाहरण है सत जोड़ भावना बराबर सद्भावना, त आया है और ये भ है, चौथा वर्ण है, प फ ब भ चौथा वर्ण है। किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण हो, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, अंतस्थ व्यंजन हो, ह हो, स्वर हो, तो वह उस वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा, यानी पहला जो वर्ग है वह तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो त का परिवर्तन किस में होगा, देख रहे हैं यहाँ पर द में परिवर्तन होगा। तो सत जोड़ भावना बराबर सद्भावना। दूसरा जो नियम है वह है वर के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। वर का जो पहला वर्ण है प्रथम वर्ण के बाद क्या आएगा, न या म आएगा, तो किस में परिवर्तन होगा, प्रथम वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यहाँ देख रहे हैं क है, यहाँ भी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का पहला वर्ण है, सब में हलंत लगा हुआ है, तो उसके बाद क्या आना चाहिए, न या म आना चाहिए, तो किस में परिवर्तन होगा, क अंग में परिवर्तन होगा। पांच प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण यानी पंचमाक्षर, तो क अंग में परिवर्तन होगा। च जो है इ में परिवर्तन होगा, ट ण में परिवर्तन होगा, त न में परिवर्तन होगा, प म में परिवर्तन होगा। प्रत्येक वर्ग का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होता है। यहाँ देख रहे हैं वाक जोड़ मय बराबर वांग्मय। क देख रहे हैं, क के बाद क्या आया, म आया है, तो किसमें क जो है वह किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अंग में, यानी वांग्मय हो जाएगा। वांग्मय का अर्थ होता है साहित्य। इसके बाद चित जोड़ मय बराबर चिन्मय। त है, त के बाद देख रहे हैं म आया है, तो त जो है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, न में, देख रहे हैं यहाँ पर त परिवर्तित हो जाएगा न में। दोनों तरफ जो है परिवर्तित जो वर्ण है सब में स्वर रहित है, हलंत का चिन्ह लगा हुआ है, और पूर्व वर्ण जो है यहाँ भी हलंत का चिन्ह लगा हुआ है। इसके बाद अगला उदाहरण है ऊत जोड़ नति। तो यहाँ पर त है, त के बाद न आया है, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, त का न में परिवर्तित हो जाएगा, तो उन्नति हुआ। जगत जोड़ नाथ, त के बाद न आया है, तो ये त का किस में परिवर्तन होगा, आधा न में स्वर रहित न में, तो जगन्नाथ होगा। तत् जोड़ मय, त के बाद क्या आया, म आया है, तो त का न में परिवर्तन होगा, तो तन्मय होगा। ट के बाद षट जोड़ मुख बराबर षणमुख, तो षट जोड़ मास बराबर षणमास, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण के बाद न या म आता है तो वह पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद तीसरा जो नियम है, रूल्स है, त संबंधी विशेष नियम है, पूर्व वर्ण जोड़ उत्तर वर्ण बराबर परिवर्तित वर्ण। तो पूर्व वर्ण में क्या आया, त आया है, उत्तर वर्ण में क्या आएगा, ल आता है, ज या झ रहेगा, ट रहेगा, ड रहेगा, च या छ रहेगा, तो किस में परिवर्तन होगा, त में परिवर्तन होता है, इसमें ये जो त पूर्व वर्ण है इसमें परिवर्तन, त का ल में परिवर्तन होगा, त का ज में परिवर्तन होगा, और त का ट में परिवर्तन होगा, और त का ड में परिवर्तन होगा, और त का च में परिवर्तन होगा। तो यहाँ देख रहे हैं उदाहरण से समझते हैं, तो तत् जोड़ लीन बराबर तल्लीन। यहाँ देख रहे हैं त है, ये स्वर रहित है, आधा त है यहाँ पर, तो ये जो है त के बाद क्या आया, ल आया है, ये जो त का ल में परिवर्तन होगा, तो यही त जो है ल में होगा, स्वर रहित होगा, तो तत् जोड़ लीन बराबर तल्लीन।
उत त है, ये जो त के बाद क्या आया, ल आया है, तो आधा ल में परिवर्तन होगा, ये तो उल्लास होगा। उत जोड़ ज्वल बराबर उज्ज्वल, उज्ज्वल में दोनों ज आधा होता है, स्वर रहित होगा। उत्सत जोड़ जन बराबर सज्जन, उत जोड़ चारण बराबर उच्चारण, यहाँ त का किसमें परिवर्तन होगा, च में होगा। देख रहे हैं त के बाद च आता है या छ आता है, तो ये जो त है वह आधा च में बदल जाता है, तो ये त जो आधा च में आ गया तो उच्चारण हुआ। जगत जोड़ छाया बराबर जग छाया, वृहत जोड़ टीका बराबर वृहत टीका, उत जोड़ डयन, तो ये त है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, त का यहाँ पर ड में परिवर्तन होगा, तो हो जाएगा उडयन। उत जोड़ लेख बराबर, त के बाद क्या आया है, ल आया, त के बाद यहाँ पर ल है, तो ल के ल जो है ल में परिवर्तन नहीं होगा, ये उत्तर वर्ण है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, ये जो है त है उसमें परिवर्तन होगा, तो त का किसमें परिवर्तन हो जाएगा, ल में, यानी स्वर रहित आधा ल देख रहे हैं, तो ये त है आधा ल में परिवर्तित हुआ, तो उत जोड़ लेख बराबर उल्लेख। इसके बाद जानते हैं रूल 4, त के बाद अगर ह आता है तो त द में परिवर्तित होता है और ह ध में परिवर्तित होता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं त और द दोनों स्वर रहित है यानी आधा है। उदाहरण से समझते हैं, उत जोड़ हार बराबर उद्धार, कैसे हुआ, ये त देख रहे हैं, त के बाद यहाँ पर ह आया है, तो त का परिवर्तन किस में हुआ है, द में हुआ है, और ह जो ये ह देख रहे हैं वह ध में हुआ है, तो उद्धार हुआ। उद्धार इस प्रकार भी लिखा जाता है। यहाँ उद्धार जो लिखा हुआ है देखने में लगता है कि द पूरा है और ध आधा है, लेकिन यहाँ देखिए इस प्रकार, यहाँ पर ये जो है द स्वर रहित है यानी आधा है और ध पूरा है। इसी प्रकार पत जोड़ हाथी बराबर पद्धति, तो देख रहे हैं त, त का परिवर्तन किस में हुआ है, द में हुआ है, और ह का परिवर्तन ध में हुआ है, तो पद्धति हुआ। इसी प्रकार उत जोड़ हत बराबर उद्धत, तत जोड़ हित बराबर तद्धित, ये कब होता है, जब त के बाद ह आता है तो त का परिवर्तन द में और ह का परिवर्तन ध में होता है। इसके बाद जानते हैं रूल 5, रूल 5 में क्या है, त के बाद तालाब स स्वर रहित और ये तालाब स स्वर सहित हो यानी आधा और पूरा हो, तो त जो है च में बदल जाता है और स जो है वह छ में बदल जाता है। इसे उदाहरण से समझते हैं, उत जोड़ श्वास, यहाँ पर देख रहे हैं त के बाद ये तालाब स है, ये जो त है वह च में बदला हुआ है, ये तालाब स है वह छ में बदल गया है, तो उच्छ्वास हुआ। इसी प्रकार उत जोड़ शिष्ट, तो त जो है वह च में बदला है, ये जो तालाब स है वह छ में परिवर्तित हुआ है, तो उच्छिष्ट हुआ। इसी प्रकार उत जोड़ श्रृंखल बराबर उच्छृंखल, तो त का परिवर्तन च में, ये जो तालाब स देख रहे हैं, ये जो श्री जो लिखा हुआ है, ये इसको तालाब स भी ऐसे लिखा जाता है, तो ये तालाब स है और ये है री है, तो तालाब स का परिवर्तन किस में हुआ है, छ में हुआ है, त का परिवर्तन च में हुआ है, और ये जो री की मात्रा यहाँ पर आ गया तो उच्छृंखली हुआ। सत जोड़ शास्त्र बराबर सच्छास्त्र। रूल 6 में क्या है, त के बाद क त प स आए, तो क्या होता है, ये संयुक्त हो जाता है, द्वित्व हो जाता है, तो यहाँ देख रहे हैं त जोड़ काल बराबर तत्काल, ये जो त है इसमें जाकर के वह जुड़ गया है, तत्काल हुआ। ये त यहाँ भी है, यहाँ भी त है, देख रहे हैं यहाँ पर त के बाद क, इसके बाद अगला उदाहरण त के बाद त, तो तत्व हुआ, डबल त हुआ। उत जोड़ पात बराबर उत्पात, सत जोड़ संग बराबर सत्संग। रूल 7 में म के बाद व्यंजन वर्ण आता है, लेकिन व्यंजन वर्ण में म को छोड़ करके तो म का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं, अहम जोड़ कार बराबर अहंकार, तो यहाँ ये जो म है, म के बाद ये व्यंजन वर्ण क आया है, तो ये जो म है ये अनुस्वार में परिवर्तित हो गया, तो अहंकार हुआ। सम जोड़ चय बराबर संचय, ये जो म है
इसके बाद यहाँ पर क्या आया, अनुस्वार हुआ। सम जोड़ गम बराबर संगम, सम जोड़ जय बराबर संजय, सम जोड़ यम बराबर संयम, सम जोड़ रक्षण बराबर संरक्षण, सम जोड़ वाद बराबर संवाद, सम जोड़ सय बराबर संशय। इसी प्रकार सम जोड़ सार बराबर संसार, सम जोड़ हार बराबर संहार। और इसके बाद रूल 8 है, इसमें आठवां रूल है, माँ के बाद ये स्वर रहित है यानी आधा माँ है, और इसके बाद पूरा माँ आता है तो वह द्वित्व हो जाता है यानी संयुक्त हो जाता है। तो सम की जोड़ मेलन, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये द्वित्व हो गया तो सम्मेलन। सम जोड़ मान बराबर सम्मान, सम जोड़ मोहन बराबर सम्मोहन, सम जोड़ मुख बराबर सम्मुख है। अब तक आपने जाना कि दो पदों का दो निकटतम वर्णों का किस प्रकार संधि करते हैं। तो यदि संधि विच्छेद करना होगा तो इस नियम का रिवर्स है, यहाँ पर दिया हुआ है उद्धार का, अगर संधि विच्छेद करना होगा तो ये जो द देख रहे हैं वह त में बदल जाएगा, ये ध जो है वह ह में बदल जाएगा। तो द त में बदलेगा तो उत होगा, और ये ध का ह हो जाएगा तो उत जोड़ हार हुआ। इसी प्रकार उच्छ्वास का अगर संधि विच्छेद करना होगा तो च त में बदलेगा तो उत हो जाएगा, और छ जो है वह श में बदलेगा तो यहाँ पर होगा श्वास होगा, उत जोड़ श्वास। और इस प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं ये त आधा त है, यहाँ पर हलंत लग जाएगा तो त जोड़ काल होगा। ये अनुस्वार का म में बदलाव आ जाएगा तो हम जोड़ कार हो जाएगा। ये द्वित्व आया है संयुक्त है तो ये यहाँ पर हलंत आ जाएगा तो सम जोड़ मेलन हो गया। व्यंजन संधि के और सारे नियम हैं, ट्रिक्स हैं, उसे अगले वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।